हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ई स्निपेट्स। मैं डॉक्टर सुरुचि तिवारी आज आप लोगों के साथ पैरेलल, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जो बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं बहुत सिंपल, बट उनमें थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसको नहीं कवर करते हैं तो वो थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। होमोलॉगी, एनालॉगी के साथ भी वही प्रॉब्लम है कि दे आर वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स, लेकिन एक बार में हम जब बुक में पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा उसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए चलिए हम लोग ये सारे टॉपिक्स आज के लेक्चर में कंसेप्ट्स अपने क्लियर कर लेते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद होमोलॉगी। होमोलॉगी क्या है? होमोलॉगी रिफर्स टू द ट्रेट्स इनहेरिटेड बाय टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्री। इसका मतलब ये है कि अगर आपके कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स हैं, मान लीजिए ऑर्गेनिज्म ए एंड ऑर्गेनिज्म बी, दे आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू अ कॉमन एंसेस्टर, ये कॉमन एंसेस्टर से रिलेटेड नहीं है, उनके अंदर ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम है, द फंक्शन में भी डिफरेंट बट द स्ट्रक्चर इज सेम। जैसे कि हम एक ह्यूमंस को हम ले लें, हम बैट को ले लें और ह्यूमंस को ले लें। आइए हम लोग एक एग्जांपल के साथ इस बात को समझें कि जो हमारा स्पीशीज ए है उसको मैंने मान लिया कि ये है हमारा बैट, ओके, और ये जो हमारा स्पीशीज बी है ये है हमारा ह्यूमन, ओके। अब देखिए कि बैट में क्या है, बैट के पास विंग्स है, ठीक है, उसके जो फोर आर्म्स हैं, जो ऊपर का हाथ है उसके, दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू विंग्स, बट ह्यूमन के जो हैंड्स हैं, वो उनका क्या फंक्शन है, कैन वी फ्लाई विद आर हैंड्स, क्या हम अपने हैंड्स को यूज करके फ्लाई कर सकते हैं? नो वी कैन नॉट, बट बैट अपने हैंड्स जो मॉडिफाई हो चुके हैं विंग्स में उनको यूज करके वो फ्लाई कर सकता है। तो यूज डिफरेंट है, फंक्शन डिफरेंट है। ह्यूमन आर्म, ह्यूमन जो है वो किस लिए यूज कर रहा है, फॉर मॉड्यूलेटिंग, वो अपना एटमॉस्फेयर अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करने के लिए अपना आर्म यूज कर रहा है, फोर आर्म, बट बैट जो है वो अपना फोर आर्म फ्लाई करने के लिए यूज कर रहा है। सेम इज द केस विद द विंग्स ऑफ द बर्ड्स, वो भी अपने फोर आर्म उनमें भी मॉडिफाई हो गए हैं विंग्स की तरह और वो उसको फ्लाई करने के लिए यूज करते हैं। सेम सील का जो फ्लिपर है, जो उसका फिन है, वो उसको तैरने के लिए यूज करती है। हॉर्स का जो फोर लिम्ब है वो रन करने के लिए उसको यूज करता है। बट अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें, जो हम यहाँ पे अगले स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम एनाटॉमिकली देखें तो सेम हमको ह्यूमरस बोन यहाँ पे भी मिलेगी, जो सील का फ्लिपर है जिसको वो स्विमिंग के लिए यूज करती है उसमें भी ये बोन हमको ह्यूमरस यहाँ मिल गई। सेम इज द केस फॉर द बर्ड्स, हमको उनके विंग्स में भी ह्यूमरस बोन मिलती है, फिर हमको बैट के विंग में भी ह्यूमरस बोन मिलती है, हमको हॉर्स के फोर लिम्ब में भी ह्यूमरस बोन प्रेजेंट है और मैन के फोर लिम्ब में भी ह्यूमरस बोन प्रेजेंट है। तो ह्यूमरस बोन इज प्रेजेंट इन ऑल द स्ट्रक्चर्स। सेम इज द केस विद रेडियस एंड अल्ना, रेडियस भी प्रेजेंट है, अल्ना भी प्रेजेंट है, बर्ड के पास भी रेडियस है और अल्ना भी है, और सेम इज द केस विद बैट, उसके पास भी रेडियस अल्ना दोनों है, हॉर्स के पास भी रेडियस अल्ना दोनों है, मैन के पास भी रेडियस भी है और अल्ना भी है, ठीक है। सेम आगे देखिए, कार्पल्स आर प्रेजेंट, मेटाकार्पल्स आर प्रेजेंट, फैलेंजेस आर प्रेजेंट। तो हर जो एनाटॉमिकली अगर हम देखें तो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनका फंक्शन, पहले इसका जो फ्लिपर है इसका फंक्शन है स्विम करना, बर्ड का फंक्शन क्या है, विंग का फ्लाई करने में हेल्प करना, बैट का फंक्शन है फ्लाई करने में हेल्प करना, हॉर्स का फंक्शन क्या है फोर लिम्ब का, कि वो रन करने में उसे यूज करता है, और ह्यूमन में क्या है कि हम ग्रैस्प करने के लिए यूज करते हैं। तो फंक्शंस अलग हैं, देखने में स्ट्रक्चर अलग है, बट अगर हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर सेम। यही होता है होमोलॉगी, कि हम देखने में हमारी जो बनावट है वो सेम है, होमो मीन्स सेम, तो द शेप एंड साइज ऑफ द बोन्स डिफर,
शेप और साइज थोड़ा थोड़ा अंतर है, बट बेसिक सिमिलैरिटी है स्ट्रक्चर में कि सारी बोन्स प्रेजेंट हैं एक और दे हैव द सेम सेट ऑफ बोन्स दैट इज ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस। तो होमोलॉगी मतलब कि हमारे जो अलग अलग एनिमल्स हैं, दे आर सेपरेट स्पीशीज बट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन इज सेम इन ऑल द स्पीशीज और फंक्शन में भी डिफरेंट। फंक्शन अलग अलग हो सकता है बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है हर स्पीशीज में, तो दे विल बी कॉल्ड एज होमोलोगस। अब देखिए होमोलोगस की खास बात यही है कि होमोलोगस में होमोलोगस ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स जो होते हैं वो उनके टास्क अलग अलग हो सकते हैं, उनके फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं बट देयर बेसिक स्ट्रक्चर इज ऑलवेज द सेम। अब एनालॉगी जो है वो इसका कॉन्ट्ररी है, मतलब एनालॉगी रिफर्स टू द सिमिलैरिटी इन फंक्शन। अभी होमोलॉगी में हमने क्या देखा था कि फंक्शन अलग अलग थे बट स्ट्रक्चर सेम था, अब एनालॉगी में क्या है कि हमारा फंक्शन सेम है। सिमिलैरिटी इन फंक्शन ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड नॉट कॉमन एंसेस्ट्री। उनके जरूरी नहीं है कि कॉमन एंसेस्टर्स हों बट उनके जो ऑर्गन्स हैं या जो वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें वो ऑर्गन्स डेवलप हुए हैं उनके फंक्शन सेम है। वो उनकी बनावट डिफरेंट हो सकती है, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है बट उन ऑर्गन्स का फंक्शन सेम है, जैसे कि विंग्स ऑफ द इंसेक्ट। ठीक है, जो कीड़ों में या मकौड़ों में जो विंग्स होते हैं, इंसेक्ट्स में जो विंग्स होते हैं वो भी उनको किस काम के लिए यूज करते हैं, फ्लाई करने के लिए। बैट्स भी अपने विंग्स को फ्लाई करने के लिए यूज करते हैं, बर्ड्स भी अपने विंग्स को फ्लाई करने के लिए यूज करती हैं। तो क्या इसका मतलब हो गया कि इंसेक्ट, बैट और बर्ड्स जो है आर दे रिलेटेड टू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे से मिलते हैं? नहीं, वो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और उनकी जो लीनियज है वो भी डिफरेंट है। तो एनालॉगी में हमको देखने को मिलता है कि हमारा स्ट्रक्चर सेम नहीं है बट हमारा फंक्शन सेम है। ये इंसेक्ट का पंख है, ये कैसे डेवलप हुआ है देखिए, ये डेवलप होता है फ्रॉम द इनर और आउटर सरफेस ऑफ द इंसेक्ट बॉडी। जो बॉडी है उसकी जो इनर सरफेस है और आउटर सरफेस है वो एक्सपैंड होके विंग बनाती है। ठीक है, ये बर्ड का विंग है, इसमें आपको ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फैलेंजेस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स सब मिलेंगी। ये बर्ड का विंग है बट इसका भी फंक्शन क्या है कि बर्ड को उड़ने में मदद करता है। ये बैट का है, इसमें भी आपको सेम स्ट्रक्चर मिलेगा लेकिन इसमें साथ साथ क्या है कि जो मेम्ब्रेन्स स्ट्रक्चर ऑफ द विंग है वो कहाँ से निकलता है, दे ओरिजिनेट बोथ फ्रॉम द फोर लिम्ब और उसके साथ साथ जो मेम्ब्रेनियस स्किन ऑफ द एब्डोमेन है वो भी हेल्प करती है इसके विंग को डेवलप करने में। तो फंक्शन सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तब हम उस केस में कहते हैं कि ये एनालॉगी है। एनालॉगी में ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि फंक्शन ऑफ द एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर सेम बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। ऑल बर्ड्स, बैट्स एंड बटरफ्लाईज यूज देयर विंग्स फॉर फ्लाइंग, देयर डिफरेंस इन ओरिजिन डज नॉट इफेक्ट देयर यूज। क्यों डेवलप हुआ, किस ऑर्गन को मॉडिफाई करके विंग बना, ये वहां पे इररिलेवेंट हो जाता है। वहां पे सिर्फ ये रिलेवेंस रह जाती है जब हम एनालॉगस स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। अगर विंग है, डेवलप हुआ है और हम विंग को उड़ने के लिए यूज कर रहे हैं देन हम उसको एनालॉगस स्ट्रक्चर मानेंगे, चाहे जितनी डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज हो। अगर उसमें विंग है एंड द ऑर्गेनिज्म उसको उड़ने के लिए यूज कर रहा है देन दे आर एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। नाउ लेट अस कम टू पैरेलल एवोल्यूशन। पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब होता है कि दो ऐसी लाइंस जिनको हम एक्सटेंड करते चले जाएं तो वो आपस में कभी मिलेंगी नहीं, इनफाइनाइटली वो बढ़ती जाएंगी बट वो आपस में मिलेंगी नहीं। ये हमने पैरेलल लाइंस छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यही है। अब पैरेलल को हम किस सेंस में पढ़ रहे हैं, एवोल्यूशन के सेंस में पढ़ रहे हैं। तो पैरेलल एवोल्यूशन का क्या मतलब होगा,
पैरेलल एवोल्यूशन मींस डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब इसमें कैसे कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं? सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें बाहरी रूप से दिखाई देते हैं। तो ऐसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो सिमिलर हो इन टू डिफरेंट स्पीशीज। अब ये जो स्पीशीज थी ये अलग अलग थी, एक थी हमारी स्पीशीज ए और एक थी हमारी स्पीशीज बी। तो दे आर टू डिफरेंट स्पीशीज विच डू नॉट हैव अ कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, दिस हैपन्स ड्यू टू सिमिलर एनवायरमेंटल प्रेशर ऑन बोथ द स्पीशीज। जब हमारी कोई भी दो अलग अलग स्पीशीज, स्पीशीज ए और स्पीशीज बी, जो आपस में किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है, वो कोई ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं जो सेम हो, जो सिमिलर हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल एवोल्यूशन। और ये स्ट्रक्चर्स वो क्यों डेवलप करते हैं? ड्यू टू एनवायरमेंटल प्रेशर। वो सेम एनवायरमेंटल प्रेशर फील कर रहे हैं, उनको स्पीशीज को सरवाइव करने के लिए कोई पर्टिकुलर फीचर डेवलप करना जरूरी है। अगर वो उसको डेवलप नहीं करेंगे तो दे विल बिकम एक्सटिंक्ट। ये उनके ऊपर एनवायरमेंटल प्रेशर है। तो अब इस प्रेशर को मीट करने के लिए और अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए वो क्या करते हैं? सिमिलर स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लेते हैं। ऐसे एवोल्यूशन को हम पैरेलल एवोल्यूशन कहते हैं। अब देखिए ये कहाँ होता है। पैरेलल एवोल्यूशन का एग्जांपल हमको मिलता है मैमल्स में। अब क्या है मैमल्स में एवोल्यूशन? क्या हुआ एवोल्यूशन? हुआ दो तरीके के मैमल्स का एवोल्यूशन हुआ। एक प्लेसेंटल मैमल्स का हुआ, जिनका बेबी उनके स्टमक में डेवलप होता है और वो नरिशमेंट प्लेसेंटा के थ्रू डेराइव करता है। और दूसरा वैरायटी है मार्सुपियल्स की, जिसमें उनका बेबी मार्सुपियल पाउच में रहता है और वो वहीं से अपना न्यूट्रिशन डेराइव करता है। बोथ द स्पीशीज हैव फॉलोड इंडिपेंडेंट एवोल्यूशनरी पाथवेज। अब ये जो मार्सुपियल्स हैं, जिनका एग्जाम्पल कंगारू बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, और जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं, उनका एवोल्यूशनरी पाथवे बिल्कुल डिफरेंट है। बट दे आर इन साउथ अमेरिका मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल्स शेयर्ड द इकोसिस्टम। अब साउथ अमेरिका में जब ग्रेट अमेरिकन इंटरचेंज नहीं हुआ था, तब मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल्स सेम इकोसिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे थे। इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस थी दे फेवर्ड मार्सुपियल मैमल्स, इसलिए मार्सुपियल मैमल्स वहां पे डेवलप हुए। और इन ओल्ड वर्ल्ड द प्लेसेंटल मैमल्स वन आउट, राइट? तो ओल्ड वर्ल्ड में प्लेसेंटल मैमल्स डेवलप हुए, यहाँ पे भी फीचर सेम है कि हमारा बेबी को प्रोटेक्शन चाहिए, तो दे आर प्रोटेक्टिंग देयर बेबीज। उनके बेबी को न्यूट्रिशन ह्यूमन बॉडी, उनकी जो मदर की बॉडी है न्यूट्रिशन वहीं से डिराइव कर रहा है। बट चेंजेस क्या है कि यहाँ पे मार्सुपियल है, यहाँ पे प्लेसेंटल है। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरेलल एवोल्यूशन। अब आइए कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की बात करते हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है? कन्वर्जेंट लाइन्स क्या होती है? आप सबसे पहले इस बात को ध्यान दीजिए, अगर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जगहों से पॉइंट्स से हम लाइन खींचें और उसको एक जगह पे मीट करा दें, तो व्हाट टाइप ऑफ लाइंस आर दीज? इसको हम लोग कहते हैं दीज आर कन्वर्जेंट लाइंस। तीन अलग अलग डायरेक्शन से हमारी लाइन आई, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, एंड दे ऑल आर मीटिंग एट अ वन पॉइंट। एक पॉइंट पे वो मीट कर जाते हैं, तो सिमिलर उसको हम क्या कहते हैं, इस तरीके के एवोल्यूशन को हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि तीन अनरिलेटेड स्पीशीज हैं जो आपस में रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो सेम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स डेवलप कर ले रही है, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। जैसे कि हमारा बैट और डॉल्फिन। बैट कहाँ रहता है? बैट इज अ मैमल, डॉल्फिन इज ऑल्सो अ मैमल, बट डॉल्फिन, इसका
हैबिटेट क्या है, अंडर वाटर एनिमल है ये तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में ये कन्वर्ट, ये एक टेंडेंसी कॉमन है, इनके स्ट्रक्चर्स बिल्कुल डिफरेंट है, स्पीशीज बिल्कुल डिफरेंट है, डिस्टेंटली रिलेटेड है, कहीं से भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन इसने भी एक कैरेक्टर डेवलप किया है जिसको कि हम कहते हैं इकोलोकेशन, और डॉल्फिन ने भी वही कैरेक्टर डेवलप किया है जिसको हम कहते हैं इकोलोकेशन। इकोलोकेशन क्या है पहले तो ये समझ लें, ये लोग क्या करते हैं कि ये अपनी साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और वो जाके किसी ऑब्जेक्ट से जब भिड़ती हैं तो ये वेव मोशन में इनके पास वापस आती है और उन्हीं तरंगों को रीड करके ये समझते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जहां तक हमें पहुंचना है उनकी लोकेशन क्या है। इस फीचर को, इस टेक्निक को हम कहते हैं इकोलोकेशन। तो इकोलोकेशन से ही बैट भी अपने टारगेट को डिसाइड करता है कहाँ है, और इकोलोकेशन को ही यूज करके हमारी डॉल्फिन भी पता लगाती है कि हमारा टारगेट कहाँ है, हमको किधर मूव करना है। तो ये एक ऐसा फीचर है जो बहुत ही डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज ने डेवलप किया है, लेकिन उनकी जरूरत थी, उनके एनवायरमेंट में उसकी एक नीड थी। अंडर वाटर लाइट नहीं होती, वो देख नहीं सकती, डार्कनेस में उसे मूव करना होता है, इसलिए वो साउंड वेव्स को यूज करती है। सिमिलरली बैट भी नॉक्टर्नल एनिमल है, रात में एक्टिव होता है, रात में देखना बहुत मुश्किल काम है, नहीं देख पाता है, इसलिए क्या करता है वो साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्ट को असेस करता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट, अब सबसे पहले डाइवर्जेंट का डायग्राम सोच लीजिए क्या होता है। एक पॉइंट से अगर रेज निकल के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे जा रही हैं तो हम इनको कहते हैं कि दिस इज, दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस वन सिंगल पॉइंट। तो अगर यही बस इस डायग्राम को याद रखेंगे तो आप डाइवर्जेंट, पैरेलल और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन सब समझ लेंगे आसानी से। तो एवोल्यूशनरी पैटर्न इन विच टू स्पीशीज हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर। अब यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट आ गया, यहाँ पे ये एंसेस्टर जो है ये कॉमन है, ठीक है। अब ये कॉमन एंसेस्टर से हमारी स्पीशीज निकल गई डिफरेंट डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंशियल सिलेक्टिव प्रेशर। अब हो सकता है ये डिफरेंट हैबिटेट्स थे जिनमें इनको रहना था, तो इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन ने वहां अपना रोल प्ले किया और डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को सिलेक्ट किया जिसकी वजह से स्पीसिएशन हो गया। तो इसको हम कहते हैं कि ये था डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कि हमारा कॉमन एंसेस्टर है उससे हमारे तीन अलग अलग स्पीशीज निकल गए ड्यू टू डिफरेंशियल सिलेक्टिव प्रेशर। तो इसको हम कह देते हैं कि ये है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मैन और मंकी के फुट को कंपेयर करेंगे तो मिल जाएगा। मैन का फुट जो है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए अडेप्टेड है, ये देखिए इसमें नॉन अपोजेबल थंब है, इनको फ्लैट स्ट्रक्चर चाहिए जिससे कि वो टेरेस्ट्रियल ग्राउंड पे मूव, वो लैंड पे मूव कर सके, क्योंकि उनको टेरेस्ट्रियल लाइफ जीनी है, लैंड पे जीना है। और मंकीज को आर्बोरियल लाइफ जीनी है जिसकी वजह से डाल को पकड़ने के लिए जो इजी है अपोजेबल थंब, वैसा थंब उनके पैर में पाया जाता है। तो मंकीज हैव डेवलप्ड अपोजेबल थंब और मैन हैज डेवलप्ड नॉन अपोजेबल थंब, लेकिन इन दोनों का प्राइमेट एंसेस्टर जो है वो सेम है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग स्पीशीज डेवलप हुई फ्रॉम द सेम कॉमन एंसेस्ट्री होने के बावजूद इनके फीचर्स एकदम डिफरेंट हैं और स्पीशीज डिफरेंट है। क्यों क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इन्हें डिफरेंशियल हैबिटेट्स में रहना था, इसलिए उनके हैबिटेट के हिसाब से उनके फीचर्स डेवलप हुए हैं। अब आ जाते हैं हम लोग डोलोज रूल पे। डोलोज रूल जो था वो लुइस डोलो ने 1893 में दिया था, और इनका बहुत सिंपल डॉक्ट्रिन था कि जो एक फीचर हमारे एवोल्यूशन के थ्रू बाहर आया है वो रिवर्स होके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जा सकता। मान लीजिए कि मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दिया था कि मैन का लेग जो है, मैन के लेग में जो ग्रेट टो है वो अपोजेबल नहीं है, नॉन अपोजेबल है, और मंकी के में अपोजेबल है। तो क्या धीरे धीरे वापस ऐसा हो सकता है कि मैन का टो जो है वो मंकी के टो की तरह हो जाए या अपने एंसेस्टर की तरह हो जाए?
नहीं हो सकता। वो तभी हो सकता है जब एकदम सिमिलर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस ने लीड किया था नॉन अपोजेबल थंब को अपोजेबल थंब को नॉन अपोजेबल थंब बनाया था, सेम कंडीशंस रिवर्स फॉर्म में चले, तब जाके हो सकता है कि एक संभावना है कि वो ओरिजिनल फॉर्म में चला जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। जिसकी वजह से जो चीज एक बार जो फीचर इवॉल्व हो जाता है, नेचर उसको सिलेक्ट कर लेता है, बाकी के जो फीचर्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, और जिसको नेचर सेलेक्ट करता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए नेचर क्योंकि खुद अपने आप को रिवर्स नहीं करता, तो जो कैरेक्टर डेवलप हुआ है वो भी कैरेक्टर अपने ओरिजिनल स्टेट में, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जाता है। यही डोलो का रूल है। अब देखिए डोलोज रूल का क्रिटिसिज्म क्या है। इनका क्रिटिसिज्म है कि इट इज अ डिस्क्रिप्टिव जनरलाइजेशन, उन्होंने सिर्फ एक जनरल बात कही है। इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लॉ ऑफ नेचर, रादर ओनली अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स। ये तो मानी हुई बात है कि अगर एक छोटा बच्चा है जो डेवलप हो गया है, एक एडल्ट ह्यूमन बींग बन गया है, तो क्या वो एडल्ट ह्यूमन बींग दोबारा एक छोटा बच्चा बन सकता है? नहीं बन सकता है। वैसे ही जो एक एवॉल्व होके कैरेक्टर आया है वो वापस नहीं जा सकता। यही क्रिटिसाइज वो करते हैं कि ये हमारे लिविंग बींग्स की प्रॉपर्टी होती है इवॉल्व करना, ग्रो करना, और एक बार हम ग्रो कर जाते हैं तो हम दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं जाते हैं। कोप्स लॉ पे आ जाइए। कोप्स लॉ क्या है, किसने दिया था? एडवर्ड ड्रिंकर कोप ने दिया था, और ये कहते हैं कि एवोल्यूशन टेंड्स टू इंक्रीज बॉडी साइज ओवर जियोलॉजिकल टाइम इन अ लीनियज ऑफ पॉपुलेशंस। तो इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि जैसे जैसे हम इवॉल्व करते हैं, कोई भी स्पीशीज जैसे जैसे इवॉल्व करती है वो अपने बॉडी साइज को इंक्रीज करती जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा है किताबों में, हॉर्स जो था वो इनिशियली बहुत स्मॉल साइज था, धीरे 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 इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो बड़ा हो गया। जिराफ को भी कहते हैं बहुत हॉर्स टाइप फीचर था, एनिमल था जो बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया। अगर हम अपने एंथ्रो से रिलेटेड एग्जांपल आपको दें इस रूल का, तो हम ये देखते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था वो बहुत शॉर्ट हाइटेड था, बहुत उसका बॉडी साइज उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा मॉडर्न मैन का है। तो धीरे 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 एवोल्यूशनरी लाइन में क्या होता है कि हमारी बॉडी साइज जो है वो कंपैरेटिवली बढ़ता जाता है। रीसेंट स्टडीज को देखें तो भी जो नई जनरेशन आती है वो पिछली जनरेशन के कंपैरिजन में उसका बॉडी साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। तो एवोल्यूशनरी ट्रेंड टूवर्ड एन इंक्रीज इन बॉडी साइज आर कॉमन इन द फॉसिल रिकॉर्ड ऑल्सो। तो कोप्स लॉ को फॉसिल रिकॉर्ड ने भी प्रमाणित किया है, और वो कहते हैं कि जैसे जैसे स्पीशीज इवॉल्व होती है उसका बॉडी साइज बड़ा होता जाता है। अब आ जाइए नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, दैट इज गॉसेस प्रिंसिपल। गॉसेस के प्रिंसिपल को हम कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल भी कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सीईपी, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट टू स्पीशीज विद आइडेंटिकल निशेस कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली। मतलब कि अगर कोई भी दो स्पीशीज हैं जो सेम निश में रह रही हैं, तो वो हमेशा दोनों एक साथ उस निश में नहीं रह सकती हमेशा हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ने लगेंगे, और जब कम पड़ने लगेंगे तो जो बेस्ट फिटेड होगा, जो स्ट्रांग होगा, वो वीक वाले को एलिमिनेट कर देगा। तो गॉस का प्रिंसिपल सीधे सीधे ये है कि फूड या स्पेस एक ऐसा कंस्ट्रेंट शो करेगा, हो जाएगा एक लिमिटिंग कंस्ट्रेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वीकर है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा और जो स्ट्रांग है वो एग्जिस्ट करेगा। सो विद दिस वी एंड अप आवर लेक्चर। थैंक यू सो मच। ये सारे टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन सारी चीजों का कॉन्सेप्ट जब आपके माइंड में क्लियर होगा
तभी आप अपने आंसर को अच्छी तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, बिकॉज यही कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। लिंक में आपको इसकी पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज। थैंक यू।